दोस्तों नमस्कार। तो अगर आप मुंबई इंडियंस के फैंस हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अभी तक चल रहे रूमर्स से जब बात सामने आई थी कि रोहित शर्मा जो कि मुंबई इंडियंस का साथ छोड़कर जाने वाले हैं या फिर जा सकते हैं, इस पर एक विराम लगते हुए एक सोर्स के हवाले से खबर आई है कि मुंबई इंडियन पूरा दम लगा देगी हालांकि रोहित शर्मा को रोकने के लिए। ये एक अच्छी खबर आएगी पल्टन के लिए, मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए, क्योंकि इसके तीन बड़े कारण हैं। सबसे पहला, सबसे जो बड़ा कारण सामने निकल के सामने आया है वो है रिटेंशन के नियम, यानी कि जो टीम के चार रिटेंशन है, काफी टीमें छह रिटेंशन के लिए ही बात कर रही है, तो रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस रिटेन करने की बात रख रही है वहां पर। हालांकि जो सोर्स के हवाले से हमारे पास खबर आई है उसमें बताया गया है कि मुंबई इंडियंस ने ये रोहित शर्मा को मनाने की बात करी है और वो रोहित शर्मा को फर्स्ट यानी कि पहले रिटेंशन पे रखेंगे। अगर आपको रिटेंशन की पॉलिसी बता दें तो अभी तक जो कि ऑफिशियली डेटा है उसके मुताबिक चार रिटेंशन एक टीम को अलाउड होते हैं। अगर आप फर्स्ट रिटेंशन की बात करेंगे तो पहले नंबर पर जो खिलाड़ी होता है वो 16 करोड़ में होता है। अगर दूसरा रिटेंशन की बात करें तो दूसरे नंबर का खिलाड़ी 12 करोड़ और तीसरा 8 और चौथा 6। लेकिन मुंबई इंडियंस के साथ अभी समस्या ये है कि जितने भी स्टार खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, भारत के उभरते हुए खिलाड़ी हैं या फिर भारत के लेजेंड खिलाड़ी हैं, सबके सबको इस टाइम पे मुंबई ऑन करती है, यानी कि मुंबई के खेमे में ही है। अगर आप बात करेंगे सूर्य कुमार यादव की, हार्दिक पांड्या की, जसप्रीत बुमराह की या फिर रोहित शर्मा की, तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आने वाली है कि अगर वो पहले नंबर पर रोहित शर्मा को रिटेन करते हैं यानी कि 16 करोड़ में रोहित शर्मा को रिटेन करते हैं तो क्या सूर्य कुमार यादव जो कि T20 के कप्तान है, T20 के स्टार क्रिकेटर बन के निकले, वो 12 करोड़ में मानेंगे? चलिए आप अगर 12 करोड़ में रख लेते हैं सूर्य कुमार यादव को तो क्या हार्दिक पांड्या 8 करोड़ में मानेंगे? हालांकि आपके तो कप्तान थे हार्दिक पांड्या, पिछले सीजन में उन्होंने कप्तानी करी, अब कप्तान को आप अगर 8 करोड़ में टीम में रखना चाहोगे तो कहां से मानेंगे? अब हालांकि इनके पास समस्या ये है कि इनके पास तिलक वर्मा है, टीम डेविड है, उसके बाद ईशान किशन है, यानी कि अगर आप रिटेन किसे करेंगे यहाँ पे काफी बड़ी समस्या आती है। तो हालांकि अभी समस्याओं के से उलझनों से निकलते हुए पार पाते हुए मुंबई इंडियंस ने यहाँ तक ये संकेत तो दिए हैं कि रोहित शर्मा को रिटेन करेंगे। उसका अगर एक और उदाहरण, उसका एक और एग्जांपल दो कि क्यों रोहित शर्मा को रिटेन करना चाहिए। हालांकि स्टार खिलाड़ी हैं मुंबई इंडियंस, एक तरह से अगर कहें तो जिस तरह से MS धोनी के नाम से CSK को जाना जाता है उसी तरीके से रोहित शर्मा के नाम से मुंबई इंडियंस को जाना जाता है। 5 टाइम की चैंपियंस रही है, रोहित शर्मा का अहम योगदान रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उनके अनुभव की, तो उनका अनुभव जो एक बेमिसाल अनुभव रहा है जिस तरह से रोहित शर्मा ने परफॉर्मेंस दी है मुंबई इंडियंस के लिए। अगर बात करें 2020 का फाइनल जो कि दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट था, वहां पर भी 200 के स्ट्राइक रेट से 68 रनों की पारी खेली थी रोहित शर्मा ने फाइनल में। हालांकि लोग खबरें तो यह फैलाते हैं कि रोहित शर्मा IPL के अपने स्टार खिलाड़ी नहीं है, जिस तरह से उनका IPL में परफॉर्मेंस काफी निचले स्तर का रहता है, लेकिन जब भी बात इंपॉर्टेंट मैचों की आती है, जब भी बात आती है उन मैचों की जहां पर जल्दी से निकलना होता है, यहाँ से पार पाना होता है, वहां टीम रोहित शर्मा की ओर एक बार जरूर देखती है। जिस तरह से देखा जाए तो मुंबई ने 120 रन का टारगेट भी डिफेंड करने में भी कामयाब रही है। इसका काफी तस्रे जिसमें बुमराह को तो जाता ही आता है लेकिन रोहित शर्मा और उनकी कप्तानी को भी जाता है। बात करें 2015 का जो फाइनल मैच था मुंबई इंडियंस का, वहां पर भी रोहित शर्मा ने 200 के स्ट्राइक रेट से, हालांकि 252 के स्ट्राइक रेट से 50 रन यानी कि अर्धशतक लगाया था। उसके बाद अगर रोहित शर्मा की फॉर्म की बात करें तो सबसे बड़ा कारण, अगर मुंबई इंडियंस बात करती है रोहित शर्मा को रिटेन करने की, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही रहेगा कि जो इस टाइम पे वो फॉर्म अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप में किस तरह की फॉर्म में थे रोहित शर्मा, किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा, जिस तरह से वो आक्रामक खेल रहे थे वही उन्होंने बल्लेबाजी ODI में भी कैरी करी। इसका मतलब कि T20 से तो उन्होंने संन्यास लिया पर T20 की जो अप्रोच थी, जो वर्ल्ड कप की अप्रोच थी, वो उन्होंने ODI में भी दिखाई, जो आप श्रीलंका के मैचों में देख सकते हो जहां पर टीमें परास्त हो जा रही थी, जल्दी आउट हो जा रही थी, स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ा पा रही थी, वहां रोहित शर्मा 150 और 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। तो ये एक और बड़ा कारण है। अगर आप बात करें कि अगर मुंबई इंडियंस रिटेन करेगी तो यहाँ पर पहले नंबर पर तो रोहित शर्मा को करेगी, इसमें कोई दूसरी बहस करने की बात है ही नहीं। लेकिन सूर्य कुमार यादव को कहाँ रिटेन करेगी, यानी कि सूर्य कुमार यादव मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन में आ सकते हैं। हार्दिक पांड्या को कहाँ रिटेन करेगी, यानी कि तीन बड़े खिलाड़ी जो चर्चा का विषय बनेंगे, मुंबई इंडियंस की तकलीफ का विषय बनेंगे, क्योंकि आपके पास स्टार खिलाड़ी तो हैं पर उनको आप रखेंगे कैसे? जिस तरह से पिछली बार ईशान किशन को लेकर काफी तकलीफें आई थी टीम को, तब ईशान किशन को उन्होंने रिलीज किया और ऑक्शन में खरीदने में उन्होंने पूरा दम लगा दिया, तो क्या सूर्य कुमार यादव के साथ भी वही होगा या फिर हार्दिक पांड्या के साथ भी वही होगा? और ठीक क्या
क्या गारंटी होगी कि हार्दिक पांड्या अगर ऑक्शन में आते हैं तो कोई भी टीम उनको ऐसे ही जाने देगी या फिर सूर्य कुमार यादव कैसे जाने देगी? और जसप्रीत बुमराह को तो आप छोड़ सकते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ऑक्शन में आए तो जो मिशेल स्टार्क का रिकॉर्ड है, जो 26 करोड़ का 27 करोड़ का आंकड़ा है, वो भी कम दिखाई पड़ता है अगर जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज अगर ऑक्शन की टेबल पर आता है, यानी कि बिड में आता है। इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय, मुंबई को किसे रिटेन करना चाहिए और कौन होगा फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस, और कप्तानी के लिहाज से भी कौन होगा वो खिलाड़ी जो मुंबई इंडियंस के साथ आगे तक साथ देगा? अपनी राय जरूर दें इस बात पे। तब तक के लिए धन्यवाद।